हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टेप के विषय में देखेंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगर कोई भी कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो उसका मार्केट शेयरिंग क्या होगा, किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करेगी और ये देखेगी कि मैक्सिमम हमारे पहले से प्रोडक्ट कंपनियों में अवेलेबल है तो हम एंट्री करें तो क्या क्या चीजों को उसमें हम ध्यान दें, उसको हम स्टेप वाइज दे सकते हैं। तो न्यू कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज दिया गया है, आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन। या आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आपके लिए दी गई है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केट एंड कॉमर्शलाइजेशन। आइडिया जनरेशन मेक ऑफ द रिसर्च, प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, कौन से परचेजर मेरे लिए प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है उसकी आइडिया फर्स्ट कंपनी लाती है और उस मार्केट में ये रिसर्च करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। इस प्रोडक्ट के संबंध में टू टाइप्स मार्केट लाती है, एक इंटरनल सोर्सेज होता है, एक एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब आउटर ऑफ दी, तो लाइफ ऑफ दी कस्टमर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट एजेंसी, ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से वो प्रोडक्ट की डिमांड को देखती है और डिमांड को इंक्रीज करती है, जिसे क्योर करती है या एडवर्टीजमेंट के नाते उसे पैदा ड्राइव कर सकते हैं, मार्केट में डिमांड लाती है। और इंटरनल लेवल पे रिसोर्स अगर लिखना है तो वो रिसर्च में सेल्समैन हो, इंटरमीडियरीज हमारा स्टॉकिस्ट हो, सेलर हो, सिलेंडर को उससे लेती है, मेकिंग एम्प्लॉय लेती है। नेक्स्ट आपके लिए अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंज्यूमर कंप्लायंस है, डिससेटिस्फेक्शन कैन आल्सो सोर्स ऑफ द न्यू आइडिया को सेटिस्फेक्शन करती है, तब वो अपने प्रोडक्ट के विषय में रिप्रेजेंट करती है। आइडिया स्क्रीनिंग, नेक्स्ट आइडिया स्क्रीनिंग, जो भी आइडियाज उसने मार्केट्स में एनालिसिस जनरेट किया है उस जनरेशन के बाद वह बेस्ट एनालिसिस करती है और बेस्ट आइडिया एंड बैड आइडिया टू टाइप्स डिवाइड करती है। बेस्ट आइडिया को आइडेंटिफिकेशन करती है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद बेस्ट आइडिया को इंप्लीमेंटेशन के रूप में ले जाती है और मार्केट में रिप्रेजेंट करती है। तो इसके नेक्स्ट फेज दी दैट स्क्रीनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट एलिमेंट इन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडिया फर्दर कंसिडरेशन इन द आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल आइडिया सेपरेटेड, अलग अलग होती है, सेपरेटेड देन फ्रॉम द पुअर वंस, सच आइडिया ऑफ द ड्राफ्ट्स, जो उनके बेस्ट आइडिया उनको आगे ले जाती है, पुअर ड्राफ्ट कर देती है और जिससे कि उससे कोई लॉस न हो सकती है। इसके लिए वो आइडिया कमेटी बनाती है, आइडिया का वैल्यूएशन की जाती है और प्रॉफिटेबल आइडिया एंड डेवलपिंग आइडिया को इंक्रीज किया जाती है, जो स्टडी के आधार पर नेसेसरी होती है, जिसके अंतर्गत हम आइडिया जनरेशन में प्लान फर्स्ट, प्लान सेकंड, प्लान थर्ड बनाते हैं। उस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट कब होगा, सेकंड कब होगा, थर्ड, और इसके टोटल वर्क्स को हम मार्केट लेते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस इन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट थर्ड मेजर स्टेप बिजनेस एनालिसिस आपके लिए की जाती है। दिस स्टेज इन न्यू प्रोडक्ट आइडिया केयरफुली इवैल्यूएशन फॉर देयर इकोनॉमिक वर्थ। अब मार्केट में इकोनॉमिक लेवल पे देखने का मिडिल क्लास फैमिली क्या है, लोअर लेवल और हायर लेवल, इकोनॉमिक की पोजीशन में, डेमोग्राफी की पोजीशन में, जियोग्राफी देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या कंडीशन है, आपके लिए स्टेट लेवल पे उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, रिलीजियसी और धार्मिक आधार पर भी देखें, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, अदर है, जिनका पॉपुलेशन अधिक होगा उस टाइप के प्रोडक्शन के आधार पर हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो जिसमें टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर करते हैं और न्यू प्रोडक्ट की उनकी फाइल देखते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट पसंद करते हैं। इसके साथ साथ सेल एलिमेंट हम देखेंगे, कास्ट ऑफ द प्रॉफिट देखेंगे, उस पैरेलल कंपनी की क्या कास्ट हो रही है, किसमें हम सेल करते हैं, मार्केट का पोटेंशियल आपके लिए क्या है, एनवायरमेंटल कंपटीटिव क्या है। इसी बात एक आइडिया जनरेशन का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ द टेस्टिंग को, जो हमने सबसे लास्ट में टाइप किया हुआ है,
तो कंसेप्ट ऑफ द टेस्टिंग में डिफाइन ऑफ द पर्पज ऑफ द टेस्ट। अब एनालिसिस करने के बाद जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा उसको डिफाइन करेंगे और उसको डिफाइन करके प्रॉपर टेस्ट करेंगे कि बेस्ट क्वालिटी लोगों में रिप्रेजेंट कर। चूज ऑफ द सर्वे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देखी जाएगी कहां पर किस पॉपुलेशन देखते समय। अब इनकम और एरिया जियोग्राफी के आधार पर प्रोडक्ट को देखेंगे। कम्युनिकेशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, वो मल्टीमीडिया के थ्रू होगा कि हर स्टेप पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अवेलेबल हो, मेजर जो कस्टमर का रिस्पांस क्या है ये उसके आधार पर हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट अब आपने एनालिसिस कर दिया, अब आपने देखा कि हमने कंसेप्ट, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट में प्रोडक्ट को अवेलेबल करानी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन आइडिया कन्वर्टेड इनटू द टैंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व डिजाइनिंग इवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इन द प्री कमर्शियल टेक्नोलॉजी कमर्शियल के रूप में अवेलेबल होगी। मेथड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट्स के रूप में तो कंज्यूमर प्रेफरेंस टेस्ट, कंज्यूमर किस मॉडल्स में किस इनकम के आधार पर वो चीजें हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी फोर्ड कंपनी इंडिया से वापस आई है क्योंकि फोर्ड ने मिडिल क्लास लेवल की इनकम ज्यादा, उस कार की डिमांड यहाँ ज्यादा है, उस टाइप उस ब्रांड के कार और अपनी सर्विस और उसके पार्ट्स अवेलेबल न कराने के कारण फोर्ड कंपनी अपने पूरे ऑल द बेस्ट कार होने के नाते भी इंडिया में अनसक्सेस होके रिटर्न चली गई। सेम उसी प्रकार से वोडाफोन एसआर भी अपने बिजनेस को चेंजिंग ऑफ द मार्केट टेस्ट को नहीं समझ पाए। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर आप मोबाइल में ही लीजिए तो जियो ने जब नेटवर्क के सिस्टम में मार्केट में इंटरनेट की इंपॉर्टेंस को समझा, जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किए, जैसे टाटा जैसे डोकोमो वोडाफोन जैसी कंपनियां जो टॉप पर वो दुआ करती थी एक बेटर बिजनेस करते थे, ऐसी कंपनियों को कुछ कंपनियां लॉक आउट होके इंडिया से अपना बिजनेस समेट करके वापस चली गई। तो इस प्रकार से कंज्यूमर प्रेफरेंस टेस्ट डेवलपमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर की इंटरेस्ट क्या हो रही है, नेक्स्ट फ्यूचर का डिमांड क्या हो रहा है और उस प्रकार से क्योंकि अब टॉकिंग वैल्यू का जमाना नहीं, अब तो जीबी का जमाना है, कितना फ्री देंगे कितना लोग नेट देखेंगे। क्योंकि अब कीपैड की मोबाइल्स में जब अगर यंग सीरीज से स्मार्टफोन की तरफ नोकिया जैसी कंपनी, सैमसंग, माइक्रोटेक जैसी कंपनियों ने अपने आप को मार्केट की डिमांड के कन्वर्जेशन प्रेफरेंस टेस्ट को नहीं समझा, आज उनका बिजनेस लेवल डिसलाइन की तरफ है, डाउन की तरफ जा रहा है। ब्रांडिंग नेम देखेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पैरेलल कंपनियों में शॉर्ट टर्म में ब्रांड नेम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस का आर है, ऐसे ब्रांड नेम हम ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर कराते हैं। उस पैरेलल, उस फोटो, उस नेम का इजी प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी स्पेलिंग होनी चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए वर्ड, जिससे लोगों में, कंज्यूमर्स में जियो इतना शॉर्ट है, एयरटेल, टाटा ट्रेडमार्क के रूप में ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि ऑटोमेटिक हमें वो प्रोडक्ट याद हो जाए। पैकेजिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पैकेजिंग वेपर बेटर ऑफ द पैकेजिंग, जिससे हम उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म तक एक प्रेफरेंस बनाए रखें, जिस पर हम इतना हमको पूरा उस पर रैपर हो के कंपनी का नाम, कंपनी के संबंध में टोटल रेफरेंस रिप्रेजेंट लेबलिंग के रूप में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट है टेस्ट मार्केटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग इन टेक्निक ऑफ द सेलिंग प्रोडक्ट इन द ट्रायल बेसिस वेल चूजन मार्केट ऑब्जर्व रिस्पॉन्ड कि कस्टमर डिसाइड वेदर द प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड इन द टू रिएक्शन टू कस्टमर नो अदर अल्टरनेटिव। अब मार्केट में अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो प्रोडक्ट लॉन्च करने पर कस्टमर का क्या फीडबैक है, आपके प्रोडक्ट में क्या चाहता है, क्या रिएक्शन, उसे बेस्ट करता है या कोई कमी बताता है, तो उस कमी को आप लगातार सुधार करिए और उसमें इंप्रूव करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है आपके लिए कमर्शलाइजेशन, लास्ट फेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंप्लीमेंट डिसाइड टेक आउट द अर्लियर स्टेज इन द कमिटिंग रिसोर्स इंप्लीमेंटिंग इन न्यू
प्रोडक्ट, अब आपके लिए कोई भी टेस्ट मार्केटिंग और फीडिंग फीडबैक आया, उस फीडबैक को रिप्रेजेंट इंप्रूव करके आप प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करिए बेटर, आप एडवर्टीजमेंट करिए जिसमें हम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे आपके लिए, एंटायर मार्केट वर्सेस टू सेलेक्ट सेगमेंट करेंगे इन द क्रैश वर्सेस रोल आउट ऑफ द इंट्रोडक्शन। आज आपने फुल वीडियो न्यू प्रोडक्ट के विषय में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखा। थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।